हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है जामुन का शरबत बनाना। तो आइए, गर्मियों के मौसम में हम जामुन का शरबत बनाते हैं। जामुन का शरबत बनाने के लिए ये हमने जामुन ली हैं। जामुन को मैंने इस प्रकार से कट कर लिया है, गुठलियों को अलग कर लिया है, और ये मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, एक नींबू का रस और आधा चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा, चौथाई चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच मैंने काला नमक लिया है, दो चम्मच मैंने चीनी ली है। तो आइए बनाते हैं जामुन का शरबत। ये मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें मैं ये जामुन डाल दूंगी, साथ ही मैं इसमें पानी डालूंगी। ये मैंने एक गिलास डाला है, ये मैंने डेढ़ गिलास पानी डाला है इसमें, और अब मैं इसमें थोड़े से पत्ते पुदीने के डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें भुना हुआ जीरा थोड़ा सा मैं बचा लिया है, और ये काली मिर्च, काला नमक, चीनी और नींबू का रस, और अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये हमारा जामुन का शरबत ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इस शरबत को छान लूंगी। ये मैंने छलनी ली है और एक बाउल लिया है। आप चाहे इसे ऐसे भी पी सकते हैं, मैं इसे छान के इस्तेमाल करूंगी। और ये हमारा जामुन का शरबत छन कर तैयार हो चुका है। ये देखो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और ये मैंने दो गिलास लिए हैं, अब मैं इसके अंदर ये बर्फ डाल दूंगी, साथ ही ये मैं जामुन का शरबत डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा बचाया है, ये डाल दूंगी, और ये मैंने पुदीने के पत्ते बचाए हैं। और ये हमारा जामुन का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।